जिल्ले इलाही सरकार में हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप ताकत में हों या आप जीवन में तरक्की कर रहे हों तो आपको शांत मन से काम करना चाहिए, जिससे कि आपकी ताकत और रुतबे का सही फायदा आपके नीचे वालों तक पहुंच सके और उनका जीवन भी सुधर सके। लेकिन शायद भाजपाई जिल्ले इलाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विषय में कुछ और ही मानना है, क्योंकि मोदी जी के पास जब से ताकत आई है वो लगातार तब से ही दूसरों को दबाकर और विपक्ष को निस्तोनाबूद करने की नीति के साथ काम कर रहे हैं। जब भी किसी नेता, आम आदमी या किसी ने भी मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की कोशिश की है, तब तब उस व्यक्ति के विरुद्ध पूरी भाजपा ने हेट कैंपेन शुरू कर दिया और उस व्यक्ति को देशद्रोही तक साबित करने से पीछे नहीं हटी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर पुलवामा हमला रोकने में विफल रहने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यों पर सवाल उठाया और बस फिर क्या था, मोदी जी हो गए गुस्सा। अब मोदी सरकार की तोता एजेंसी सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को रिलायंस इंश्योरेंस से संबंधित 300 करोड़ के रिश्वत मामले में पेश होने को कहा है। सत्यपाल मलिक ने इस बारे में कहा है कि उन्होंने 27 और 29 अप्रैल की तारीख दी है। असल में सत्यपाल मलिक पर ये पूरी कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर पुलवामा हमले के दौरान कथित खामियों को लेकर सवाल उठाए थे और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने मलिक को चुप रहने को कहा था। तो 100 बात की एक बात है कि मोदी राज में जो कोई भी बोलेगा उसके साथ तानाशाहों की तरह सलूक करके उसका मुंह बंद करवा दिया जाएगा। मोदी जी की यही मोडस ऑपरेंडी है।